ऐसी फैंसी चूड़ियां हैं, देखो ये ब्रास की चूड़ियां 140 रुपए का पैकेट, 11.5 रुपए की चार, 11.5 रुपए की चार है दोस्तों। पड़ेगा 300 रुपए का पैकेट, 50 रुपए की जोड़ी, 50 रुपए की जोड़ी, 180 रुपए का पैकेट, 30 रुपए की जोड़ी, 30 रुपए की जोड़ी, ये 420 रुपए का पैकेट, 70 रुपए की जोड़ी, 70 रुपए की जोड़ी। ये सब सैंपल कस्टमर, इतनी आइटम में इसकी डिमांड है, बहुत डिमांड है इन चीजों की, ये ठीक है। ये धागे में जो नीचे मेटल की चूड़ियां होती है, ऊपर धागे लगा होता है, बिल्कुल। ये ऐसा पड़ता कोई मेरे पास 90 रुपए, 120 रुपए, 60 रुपए, जैसी चीनी डालोगे वैसा ही मीठा होना। एक बार कस्टमर, मैं तो कहता हूँ शॉप पर आके विजिट करे जी, जो पुराने से पुराना काम करने वाला है, तब उसके समझ में आएगा हमारे रेट कैसे, बिल्कुल। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ एनएस बेंगल स्टोर पे। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ फैंसी चूड़ी, चूड़ी की वैरायटी दिखाऊंगा। इनकी दोस्तों खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि दोस्तों ये देखते हैं अलग अलग वैरायटीज है। सुहागन चूड़ा बनाना चाहते हैं इस तरह की, देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरह की बना सकते हैं। अगर आप सुहागन चूड़ा बनाने का सिर्फ मटेरियल भी खोजता है कोई, तो नफीस भाई वो भी दे देंगे हमारे व्यूअर्स को। ओके दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, वैरायटीज काफी है, ये देख सकते हैं इस तरीके से चूड़ा आपका तैयार हो गया। ओके 150 रुपए में दोस्तों देख सकते हैं आपको इस तरीके के चूड़े यहाँ मिलेंगे, काफी डिजाइन, काफी अलग अलग वैरायटीज है, इसमें बहुत सारी रेंज है। जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होना है, जैसा कड़ा लगाओगे वैसा चूड़ा बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चूड़ा बनाने को आप 50 का ही बन जाएगा, 70 का ही बन जाएगा, 60 का ही बन जाएगा। अच्छा अच्छा, ये पट्टी पर डिपेंड करता है, जितनी अच्छी क्वालिटी की पट्टी लगाओगे, अच्छा अच्छा, उतने अच्छी क्वालिटी के कड़े लगाओ उतना चूड़ा महंगा हो जाएगा, उतना महंगा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। काफी वैरायटीज है दोस्तों यहाँ पे, ये देख सकते हैं स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ, काफी स्टॉक है फैंसी, देख सकते हैं इस तरह की। आप अगर सिर्फ चूड़ा चूड़ा लो, अलग से पट्टी ले लो, यहीं से अपना घर बैठे भी कोई भी चूड़ा बना सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। सबसे अच्छा है हमसे खाली लूज माल लेके जाओ, अपना घर बैठे बनाओ, बिल्कुल उधर आपको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल। तो कुछ और आर्टिकल दिखा दे यहाँ पे, ये ऐसी फैंसी चूड़ियां हैं, देखो ये ब्रास की चूड़ियां 140 रुपए का पैकेट, 11.5 रुपए की चार, 11.5 रुपए की चार है दोस्तों, बिल्कुल रनिंग से आइटम में होती है। 25 कलर है, 120 रुपए का पैकेट आएगा ये वाला, ये 20 रुपए की चार, 20 रुपए की चार मात्र दोस्तों, देख सकते हैं आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ये 20 रुपए की चार डीएन बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके 20 रुपए की चार आपको बस यहाँ मिलने वाली है, बीस रुपए की चार आपको यहाँ पे मिलेंगे, 20 की चार। शॉप पे विजिट करो दोस्तों, अपने आप माल निकालो, अपने आप बिल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों इस सब पे। काफी वैरायटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जैसे इस तरीके में आपको कड़े दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं कितने प्राइस के अंदर है, 50 रुपए की जोड़ी, 80 रुपए का पैकेट, 30 रुपए की जोड़ी, 30 रुपए की जोड़ी, ये 420 रुपए का पैकेट, 70 रुपए की जोड़ी, 70 रुपए की जोड़ी। ये सब सैंपल है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सैंपल बस दोस्तों सैंपल है यहाँ पे, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मैं आपको बार बता रहा हूँ। इनके दोस्तों यहीं पर सारा लूज में माल बनता है इनका, शॉप पे इनके पैकेजिंग होती है, गोदाम में पैकेजिंग का काम चलता रहता है। तो यहाँ कितने रुपए से कितने रेंज की होती है वैरायटी आपके पास? कम से कम भी मेरे पास 11.5 रुपए से चार चूड़ियां लेके, जी जी, स्टोन की चूड़ियां, जी जी, ऊंचा 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, बहुत सारी ऊंची की रेंज, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ आइटम सारी मिलेंगी, पीतल की, मेटल की, बिल्कुल ब्रास की, कांच की, सारी आइटम मिल जाएंगी। लाख की चूड़िया में सारी आइटम चूड़िया जो होती है, फैंसी सब आइटम है, देखो 240 रुपए रेंज की है। ओके 240 रुपए का पूरा कुछ चाहिए, 240 रुपए की रेंज का दोस्तों, देखते हैं 240 रुपए में आपको इस तरह की वैरायटीज यहाँ पे मिलेंगी। 40 रुपए का सेट पड़ता है, 100 रुपए का सेट आराम से बिक जाता है, ये भी 40 की सेट पड़ता है, ये भी 40 का पड़ता है दोस्तों, देखते हैं 40 का सेट पड़ता है, 100 रुपए में इजिली बिक जाती है दोस्तों इस तरह की आइटम है। 360 रुपए, देखो 60 रुपए का पड़ेगा ये वाला। ओके 60 रुपए का पड़ेगा, ये देखो 300 रुपए का पैकेट, 50 रुपए का पड़ेगा, 100 रुपए का पैकेट दोस्तों आपको मिल रहा है, 50 रुपए का, 300 रुपए का पैकेट, कोई 25 रुपए सेट पड़ेगा, बहुत सारी आइटम का सेट पड़ने वाला है यहाँ पे। अगर नफीस भाई अगर हम बात करते हैं कोई बैंगल्स के बिजनेस में न्यू बिजनेस करना चाहता है, तो मिनिमम कितने रुपए डाले जो प्रॉफिट कमाना चालू हो जाएगा, उसका बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? देखिए ऐसा है, कस्टमर कहता 5,000 में वैरायटी बन जाती नहीं बनती, अच्छा अच्छा, 10,000 में वैरायटी बन जाती नहीं बनती, अगर उसको प्रॉपर ढंग से काम करे चूड़ी का करना है तो कम से कम 20 से 30 हजार रुपए लगाने पड़ते, तब जाके थोड़ी सी वैरायटी आती है जी जी। क्योंकि चूड़ियों में बहुत वैरायटी है मेरे पास, अभी तो ये देखो सर ये फैंसी आइटम है जी जी। फिर आती है गोल्ड की आइटम, पीतल वाली जी जी। फिर इसके बाद आती है आइटम मेटल वाली जी जी जी। बैंगल्स का हमारा बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। बैंगल्स का बिजनेस ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि साल के 12 के 12 महीने चलता है, इस तरह का आइटम चलता रहता है, साल के 12 माह चलता है, बिल्कुल हमेशा चलता है, बंद होने वाली, बिल्कुल बंद होने वाली कोई चीज ही नहीं होती इस तरीके। जैसे देख रहे हैं, ये देख पा रहा हूँ मैं, क्या आइटम है सर, कितने रुपए की? ये सारा बिल्कुल जो पहाड़ सा लगा रखा है आपने, तो भाई कोई पैकेट 300 रुपए का है, कोई 360 रुपए का है, कोई 320 रुपए का है, कोई 420, बिल्कुल बिल्कुल सब ये जैसे स्टोन लगेगा वैसा पैसा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो सर स्टोन अपने पास निकलने वाले तो नहीं है, जैसे कि पहना पानी गया निकल गया स्टोन, ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आएगी नफीस भाई अपने पास? कोई शिकायत नहीं आती है ना, ऐसा कोई माल कस्टमर को देते हैं। अच्छा अच्छा, जितना ही माल देंगे बता के देंगे कि ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है। अच्छा अच्छा, बता के देते ताकि कस्टमर के अंदर ये न रहे कि हमें
सुनो सही गाइड नहीं, हम सब बताते हैं जी जी, ये ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, ये खराब निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, सब बता देते हैं। सब कुछ बता के दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाला है, वैरायटीज देख सकते हैं, काफी अलग अलग मिलती है। भाई देखो 180 रुपए का पैकेट हमने निकाला है ये, ओके मात्र 180 रुपए का। हाँ जी, ये मगर चालू माल है, चालू माल है, जो पटरी वगैरह लगाते हैं उनके मतलब का। ये 30 रुपए का सेट पड़ता है, अच्छा अच्छा, 50 रुपए 60 रुपए का बेच सकते हैं जी जी। और दोस्तों जो सदर बाजार में पटरी लगती है, सारा का सारा माल यहीं से जाता है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल पटरियों पे सारा सप्लाई जाता है दोस्तों, इस शॉप पे तकरीबन 90% माल पटरी पे यहीं पे देते लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। और वैरायटीज दिखाई है फिज भाई, ये सारी देखो सब स्टोन की आइटम है, स्टोन ये बारीक स्टोन है, बिल्कुल दोस्तों बारीक स्टोन की है, स्टोन की चमक ही दोस्तों देख सकते हैं आपको अलग ही मिल रही है। यहाँ पे काफी वैरायटीज इस तरह की मिल जाएंगी आपको, एक बार शॉप पे जरूर विजिट करें। अपने पास माल बिकता है तभी तो 60 से 800 दुकान हम खोल के बैठे हैं जी जी। आखिर माल बिकता तभी तो इतना सारा माल लगा के बैठे, नहीं कहाँ से बैठेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी माल बिकता है और कस्टमर ही हमारे पास आता है, वैरायटी देखता है, उसको लेने आता है, 10-20 हजार का माल लेता है, लाख रुपए का। कस्टमर जैसे कोई कस्टमर आया जी जी दिल्ली आया, चलो भाई मैं 50 हजार रूपए या 20 हजार रूपए या 10 हजार रूपया लेके आया सदर बाजार के, मैं चलो भाई धंधा करेंगे बिल्कुल ठीक है, एक बिजनेस जोड़ेंगे। वो पहली बार सदर बाजार आया जी, माल लेने के लिए आया, उसने सोचा मैं एनएस बेंगल पे जाना है जी जी जी। अब नीचे कोई लड़का उसको मिल गया, वो एनएस बेंगल की जगह उसको दूसरी जगह ले गया जी जी। वो ले गया क्योंकि वो वहां ले जाएगा तो उसको अपना कमीशन मिल जाएगा, बिल्कुल, हम तो मशीन देते नहीं है। अच्छा अच्छा, उसको कमीशन मिल जाएगा तो वही हमारे पास लेके नहीं आएगा, वही लेके जाएगा तुमको, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या होगा, ये कोई कस्टमर मान लिया दिल्ली 20 हजार रूपए 10 हजार रूपए लेके आ, धंधा करेंगे जी जी, हमारे पास आना, गलती से नहीं आ पाएगा मेरे पास तो उसको जाके लोग गलत सल माल दे देंगे, फिर उसकी जो पूंजी भी बस फंस जाएगी, ना तो वो बेचारा धंधा कर पाएगा ना दोबारा दिल्ली आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता भाई सब, बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों बिजनेस करने से सबसे जो पहला जो स्टेप होता है दोस्तों वो होता है परचेजिंग, एक अच्छी दुकान से करें, जितनी अच्छी दुकान से दोस्तों आप परचेजिंग करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जी हां बिल्कुल, देखो अमित भाई जी जी, सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे मान लिया आप कोई चीज 10 रुपए की खरीदी मेरे से जी जी जी, उसको नहीं 20-15 की बेचोगे तो आपको 5-4 रुपए पीस बच जाएगा जी जी। आपको मैंने कोई चीज यहाँ 10 रुपए की जो यहाँ पे बेच रहा हूँ होलसेल में, वही अगर कोई आपको 30 रुपए की दे दे तो आप उसको कैसे 50 की बेच पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे ना, नहीं बेच पाएगा कोई। तो इस बाजार में ऐसा ही होता है, 1 रुपए का माल नीचे दुकान कुछ दो दुकानदार है जो 5 रुपए में बेचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सारे यहीं से खरीद के यहीं बेच देते हैं, यहीं बेच देते हैं बिल्कुल। हाँ तो इसलिए कस्टमर जब भी दिल्ली आए हमारे पास जरूर नहीं आके माल परचेज करे, हम नहीं कहते आए माल परचेज करे, एक बार आए दुकान पे आके वैरायटी देखे फिर वो जहाँ पे जाके अपना माल ले, कोई जबरदस्ती नहीं हमारे, कोई किसी फोर्स नहीं करते, बिल्कुल आ गए तो माल लेना लेना है, बिल्कुल आओ चाय पानी पियो भी, बाकी जहाँ से दिल में है वहाँ से माल लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आए हो तो माल खरीदना ही खरीदना, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। एक मैं ये आर्टिकल देख पा रहा हूँ कितने प्राइस के अंदर है नफीस भाई, ये 300 रुपए का पैकेट है, 50 रुपए का, 300 रुपए का पैकेट है दोस्तों, बिल्कुल फैंसी पार्टी वेयर आइटम है। हाँ जी, तो नफीस भाई जैसे कि आप मुझसे कुछ दिन पहले ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि आप कुछ नई दुकान खोल रहे हैं अपनी, उनका क्या हुआ? अच्छा अच्छा, वहाँ सिर्फ ज्वेलरी की मिलेगी, सिर्फ ज्वेलरी लगाई जाएगी कुछ नहीं? अच्छा अच्छा, मैं उसके भी माल यहाँ पर सभी स्टॉक आना चालू हो गया। अच्छा अच्छा, उसका भी स्टॉक दोस्तों आना चालू हो गया यहाँ पे, हम कस्टमर को देंगे कि कस्टमर भी ले जाके सीधा 1-3 करे। अच्छा अच्छा, 1-3 कर सकते हो दोस्तों, इतना प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे मैं इसकी प्राइस की बात करूँगा तो आपके पास कितने रुपए से हैं अमीर भाई? इसमें हमारे पास कम से कम सेट हो जाएगा स्टार्ट 350 रुपए का। ओके ओके, 350 रुपए का, ऊंचा तुम चले जाओ 3,000, 4,000, 5,000, बहुत सारी रेंज देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये अमीर भाई पड़ेगा 750 रुपए का, 750 रुपए का, बहुत सारे देखो, ये 750 रुपए का डिजाइन दोस्तों देख सकते हैं, जैसा दोस्तों क्वालिटी बढ़ाते रहेंगे प्राइस आपके यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। हाँ जी आमिर भाई देखो, कुछ भी ऐसे फैंसी बैंगल्स दिखा, बिल्कुल फैंसी बैंगल्स हैं ये देखिए, बिल्कुल ये आइटम इतनी कस्टमर इतनी आइटम है, इसकी डिमांड है, बहुत डिमांड है। अच्छा, तीन चीजों की है ठीक है, ये धागे में जो नीचे मेटल की चूड़ियां होती है ऊपर धागे लगा होता है, बिल्कुल ये ऐसा पड़ता कोई मेरे पास 90 रुपए 120 रुपए 60 रुपए जैसी चीनी डालोगे वैसा ही मीठा होना, बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर काम किसी को भी करना है चूड़ियों का ज्वेलरी का, एक बार मेरे शॉप पर जरूर आए। अच्छा अच्छा, मेरे शॉप पर आके जरूर मेरे से मिले। अच्छा, माल कस्टमर खरीदे या ना खरीदे वो अलग बात है, बिल्कुल एक बार आए आके अपना वैरायटी देखे फिर उसका जहाँ से दिल में आए वहाँ से माल ले, कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल आगे इस बैंगल से ही माल खरीदना, से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दोस्तों। जहाँ से दोस्तों आपका मन भरे आप वहाँ से वैरायटीज लें, वैरायटीज आपको यहाँ पे काफी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं भी वीडियो बनाता हूँ, कई शॉपों की बनाई है, लेकिन दोस्तों जो रेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ना
पूरी मार्केट ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेंगे। बुम्बई भी चले जाओ तब भी ये रेट में इस तरह की वैरायटी नहीं मिलने वाली। जी जी, क्या रीजन है? बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे एक महंगा शहर है। जी जी, ठीक है। बॉम्बे में एक एक दुकान का किराया 3-3, 4-4 लाख रुपए वहाँ भी है। अच्छा अच्छा, जाके कस्टमर देख का कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, जो देखो जो ग्राहक नया काम करेगा, बॉम्बे से माल कितने का लगा, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख। बस बस, ठीक है। हम क्या होता है, हमारा जो हिसाब होता है, 2-3 लाख का नहीं होता, हमारा अलग हिसाब से माल आता है। बिल्कुल, हमारा जो अगर हमने देखा ये जितना माल बना सारा बेच दो हमारे पास, हमारे तो हम इसी प्रकार से माल सस्ता खरीद के सस्ता बेच पाते हैं। बिल्कुल, कस्टमर माल ले ना ले उसका कोई नहीं है। बिल्कुल, एक बार शॉप पर आए, आके वैरायटी देखे, फिर उसके जो दिल में है वो माल करे, हमें कुछ बस्ती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इस तरह के सेट आप खोजते हैं ये आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं कुछ आपको वैरायटीज दिखा दूं, इस तरह से हजारों डिजाइन यहाँ पे मिलेंगे। बस एक बार आपको शॉप पे आने की देरी है, अगर आप नहीं आ सकते, घर बैठे ही मंगाना चाहते तो वो भी मिल जाएगा आपको। वीडियो कॉल पे भाई सारी वैरायटीज आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और आमिर भाई, पता है कस्टमर मेरे पास कहता है कि जी जी, फोन करता मेरे पास, अच्छा अच्छा सर मुझे इसका सैंपल भेज दो, इसका सैंपल भेज दो, इसका भेज दो। जी जी, हम लोग नहीं भेज पाते, उसका रीजन है, बताएं सर। यहाँ होती सारा दिन भीड़। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, माल हम लोग इसे सस्ता बेच लेते हैं, हमारे पास स्टाफ अपना कम है, खर्चा हमारा बहुत कम है। अच्छा, इसलिए वो सस्ता माल बेचते हैं। दुकान में किसी दुकान कोई किराया देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो स्टाफ हमारे पूरा घर का है, हमें किसी कुछ नहीं देना है, इसलिए हम लोग माल सस्ता बेचते हैं। हम तो कहते हैं कोई भी व्यापारी अगर काम करना चाहता है तो फर्स्ट बार मेरी दुकान पर आए, आके विजिट करे, फिर मैं उसको माल हमेशा बेचता रहूंगा, मगर उसको एक बार तो दुकान पे आना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले एक बार दुकान पे, क्योंकि दोस्तों आने से क्या होता है कि आप क्वालिटी देख पाते हो। वीडियो के अंदर आपको क्वालिटी पता नहीं चलती कि क्या क्वालिटी आपको मिलती है। बात है जी जी, परसों किसी कस्टमर ने वो था केरला का, अच्छा मेरे पास कॉल किया, तो मैंने कहा भैया इधर से आ जाओ, मतलब उसने वो दुकान की वीडियो देख रखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, उस दुकान का नाम नहीं लूंगा मैं, उसने देख रखी थी वीडियो, ठीक है जी, उसने अपने आगे वीडियो देख रखी थी। अच्छा, तो हमने कहा भाई साहब इधर से आ जाओ, नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद कस्टमर ने माल ले लिया 4.5 लाख रुपए का। अच्छा अच्छा, उसका ऑर्डर ही ऑर्डर 4.5 लाख उन्होंने लिख लिया। अच्छा, ठीक है जी, कस्टमर को, कस्टमर ने वहाँ पेमेंट भी दे दी। अच्छा, फिर उसने मेरे पास कॉल किया, नफीस भैया एक बार मुलाकात तो कर लो, मैं कहा जाओ शॉप पे आ जाओ, आया मेरे पास। अच्छा, तो शॉप पे आया मेरे पास, आने के बाद बोला भैया मुझे बैंगल्स देखने। जब उसने अपनी वैरायटी बैंगल्स देखी तो उसके पसीने पसीना हो गया, ठंड के महीने में पसीने। अच्छा अच्छा, फिर बोला भैया, फिर ज्वेलरी देखी तो बोला नफीस भाई मैं तो लुट गया। मैं क्या हो गया भाई साहब, बोला कि मुझे नहीं लगता उसकी दुकान में 4 लाख का माल होगा, उसने मुझे 4.5 लाख का बिल बना दिया, अब कैसे बना दिया पता नहीं। फिर उसने मुझे कुछ रेट हमारे देखे भाई साहब, कस्टमर बैठ के आधा घंटा सोचता रहा मेरे पास, भैया ये मेरे साथ में हुआ क्या। मैंने कहा नहीं भाई साहब, जो आपने ले लिया उसको भिजा के बेचो, आपने कुछ सोच समझ के ही माल लिया होगा। फिर मैं कस्टमर को माल दिया, और वो कस्टमर आज मेरे पास फिर भी आएगा और माल लेगा मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसने मेरे से बोला नफीस भैया मुझे और भी माल परचेजिंग करना है। जी जी, ये चीज करनी है, ये चीज करनी। मैंने उसको बताया आप वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, हम अपने काम से पूछ रहे हैं, दूसरे को कहाँ क्या बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो फिर हमने उसको बता दिया भैया वहाँ वहाँ जाके परचेजिंग कर लो, हमारे यहाँ जो भी है सही गाइड करते हैं, गलत किसी को गाइड नहीं करते, क्योंकि हमें धंधा करना हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो है नहीं कि आज करना है कल नहीं करना, हमें डेली कस्टमर चाहिए, और हम चाहते हैं जो भी कस्टमर आए बार बार मेरे पास आए। बिल्कुल बिल्कुल, इस शॉप की दोस्तों सबसे अच्छी बात है, यहाँ देख सकते हैं हर एक बॉक्स पर आपको रेट मिले हुए, अपने आप आओ निकालो कोई दिक्कत नहीं है, अपना जितना निकालो उतना अपने आप बिल बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एनएस बेंगल शॉप की आप और भी वीडियो देखना चाहते तो जाके हमारे चैनल आमिर ब्लॉग्स टीवी को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियो आप लोगों को आने वाली है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।